वेलकम, आज की ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि संडे स्पेशल ब्लॉग में बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि संडे के दिन छुट्टी के दिन में बहुत सारा काम भी रहता है, तो इस काम के समय पर मैं जो है अभी अपना एसी का सर्विसिंग करूँगा और उसको कवरिंग करूँगा और उसमें कुछ स्टिकर वगैरह भी लगाना है, जैसे कि आपको पता है, जैसे आप देख चुके हैं थंबनेल में। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं और देखिए कि आज इस संडे स्पेशल ब्लॉग में मैं क्या क्या घर का काम करता हूँ। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो हाय दोस्तों, अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे घर का एसी है और चूँकि संडे का दिन भी है तो छुट्टी के समय में हम सोचे कि कुछ घर का काम कर लिया जाए। तो अब ठंड के दिन में एसी का यूज़ तो नहीं होता है, इसलिए अब जो मैं इसको साफ करके इसको कवर भी करूँगा और इसमें एक स्टिकर भी अप्लाई करूँगा, जो स्टिकर मैं ऑनलाइन मंगवाए थे दीवार के लिए भी और एसी के लिए भी, दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं, चूँकि फिर एक साल बाद निकालेंगे तो इसमें फिर निकालने के साथ साथ फिर साफ़ करने से अच्छा है कि उसमें केवल चालू करेंगे और जो है ठंडा ठंडा हवा आना। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इसका जो एक नेट है, इसमें शायद आप लोग देखे होंगे घर में एसी होगा तो आप लोग, या फिर इसमें कुछ जानना भी जरूरी है। छोटा मोटा सर्विसिंग घर में ही कर लेना चाहिए क्योंकि सर्विस वाले को बुलाने कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो लोग केवल चार्ज करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें दो नेट रहता है, देखिए इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये नेट में डस्ट बैठ जाता है, देख रहे पूरा इसमें डस्ट, आप देख सकते हैं डस्ट लगा हुआ है इसमें। अब इसको बाहर में जाकर साफ़ कर दूँगा, धो दूँगा इसको बढ़िया से, उसके बाद फिर सूखने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे। इसमें दो इस तरह का दो जाली लगा हुआ है, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों जाली में खोल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक और जाली इसमें आपको नज़र आएगा, ये देखिए इसमें भी काफ़ी डस्ट बिठाओ, जितना भी डस्ट आप बाहर का डस्ट होता है ना खींच लेता है, और जो है इस पर इस जाली के द्वारा जो है वो डस्ट जो है आपके एसी के अंदर में नहीं जाता है, इस जाली में फंस कर जाता है। तो फिलहाल जो है इसको हम धो देते हैं और फिर जो है इस पर भी हम स्टिकर अप्लाई करेंगे और फिर इसमें कवरिंग करेंगे। जो कवरिंग करेंगे वो कवरिंग भी, उसका कवर जो मैं घर पर खुद बनाया हूँ, घर मेरा सिम भी है, तो कवर को हम लगा दिए इसमें, जाली को साफ करके लग गया है। अब देखिए आप आसानी से कि इसमें एक स्टिकर जो आप देख रहे हैं, ये स्टिकर मैं फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, आप फ्लिपकार्ट में देख सकते हैं, ऐसी स्टिकर लिखिएगा तब क्या आ जाएगा। ये स्टिकर मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, तो दीवार के लिए भी मंगाए थे और यहाँ के लिए, दीवार में तो अप्लाई किए आप लोग उसका वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो एसी के लिए मंगाए थे तो इसको भी हम एसी में अपने अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह का लुक आ रहा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टिकर को बढ़िया से पेस्ट करने के समय में, तो आप देख सकते हैं अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो ध्यान से देखिए ये बहुत अच्छा से फिट हो जा रहा एसी पे मेरा, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको अप्लाई करता हूँ। बस इसको थोड़ा काट देते हैं, स्टिकर को पेस्ट करने में दिक्कत हो रहा तो जो एडिशनल पार्ट इसको हटा देते हैं, ये दिक्कत कर रहा। अब जो है ये आप देख सकते हैं इसको आसानी से हम लगा दिए, अप्लाई कर दिए और ये जो है हमारा
रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये जो रेडी हो गया, बहुत अच्छा इसका लुक भी आ गया, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए अब जो है ये हमारा एसी बनके स्टिकर अप्लाई होके रेडी हो गया। और अब जो है हम इस पर कवर जो है वो लगा देते हैं। कवर मेरा बना हुआ है, अब इसको हम घर पे ही बनाए थे तो वो कवर हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो वही मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसको बनाए थे हम कवर को, तो बनाया हुआ बहुत पहले हो गया, लेकिन अभी इसको हम अप्लाई करेंगे, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये है कवर जो हम इसको मशीन से घर पे स्टिच किए हैं, और अभी मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये लगाने के बाद किस तरह से ये मेरा सेफ भी रहता है, डस्ट भी नहीं बैठता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ।